Hello everyone, good evening, welcome to your favorite platform e-learning study data. This is Mahesh Yadav here and once again we are back with another new session. As you all know that the session based on parts based on one word substitution is going on. Before I set the class in motion, let me know, am I audible and visible? क्लास शुरू करने से पहले अक्सर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे बताइए क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं. जल्दी बताइए. क्लियर सेट यस. आदिराज गुड इवनिंग बोल रहे हैं. रविंद्र निवन प्रणाम बोल रहे हैं. शुक्लाल ठीक है, बहुत बढ़िया. सभी का स्वागत, अभिनंदन. यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यदि न्यू यदि आप यहां पर व्यूवर्स हैं तो आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और मेरे जितने भी लाडले प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोगों से भी यही गुजारिश हमेशा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर किया करो. सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार के कोर्सेज आपको ई लर्निंग स्टडी अड्डा एप्लीकेशन पर मिलते हैं. यदि आपने अभी तक अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. यहां पर आरएएस की बात करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है. इसके अलावा यदि हम बात करें स्पोकन इंग्लिश, जैसे सीईटी, एलडीसी जैसे तमाम प्रकार के कोर्सेज यहां पर रन किए जाते हैं. एसएससी, डी ट्रिपल एसपी, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर बेसिक टू एडवांस्ड, ये एक ऐसा कोर्स है जो हर जगह काम आएगा. और आगे देखिएगा सीईटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है. बेरोजगार हूं साहब, अब रोजगार चाहिए, टैलेंट की कमी नहीं है. इन भारत की सड़कों पर दुनिया बदल देंगे साहब, भरोसा तो करो. इन लड़कों पर लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई. नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई. वाह भाई क्या खूब लिखा है, ठीक है. जगदीश शिहाग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है. हाँ जी, चलिए. डेली हम निरंतर यहां पर प्रयास कर रहे हैं अपने और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, और डेली आपको कुछ अच्छा सेशन देते रहते हैं. गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग. चलिए शुरू करते हैं. अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ये कुछ वर्ड्स हम लगभग 180 तक पहुंच गए हैं. इररिक्लेमेबल क्या है, इररिफ्यूटेबल, इररिजिस्टिबल आ गया, जगलर आ गया है, लीगल आपने देखा है, लिंग्विस्ट देखा. पहली बात तो आज का सेशन बड़ा शानदार होने वाला है. कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, ठीक है, कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा. मैं बार बार कहता हूं इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल, इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. कुछ ये भी कहते हैं सर टेलीग्राम का लिंक है वो ओपन नहीं होता, उसको वन एंड टू टाइम्स है, उसको आप वहां पर किया करो, प्रेस किया करो. बार बार यदि क्लिक करेंगे तो वो जरूर ओपन हो जाएगा. कई बार ऐसा होता ही है केवल इसी के साथ. आगे देखिएगा लाइफ लॉन्ग क्या होता है, लिटरेट, लेबोरेटरी, इस प्रकार की लेबोरेटरी वाला वर्ड बता दिया, लेबोरेटरी, लॉन्ड्री, लक्वेशियस, मिसोजिनिस, मर्सनरी, मिटिक्यूलस. कल पढ़ाया था आपको, मिट्टी में कोई चीज गिर जाती है, ठीक है. जगदीश मेरा फ्रेंड, वाह भाई रविंद्र बहुत बढ़िया. कल की क्लास में आप लोगों को बताया था मिटिक्यूलस एक वर्ड आया था, मिट्टी में कोई चीज गिर जाती है तो वो मिटिक्यूलस होता है, ठीक है. ऐसा मैंने आपको एक किसी चीज के साथ लिंक करके ये चीज आप लोगों को शेयर करी थी, मिटिक्यूलस. स्क्रू गिर गया था तो स्क्रूप्यूलस बन गए थे आप, ठीक है. मेथडिकल एक वर्ड दिया था. इसके अलावा भी मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए थे. डिलीजेंट आपको वर्ड दिया था. वेरी केयरफुल कोई होता है वो मिटिक्यूलस कहलाता है. क्या कहलाता है, मिटिक्यूलस कहलाता है. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है. ठीक है, हाँ. अब आगे चलिएगा, इसके अलावा क्या है, इसके बाद में वर्ड देखिएगा. मेडिन या डेम्स क्या होता है, ये बताया था कल. मेडिन स्पीच भी बताया था कल आपको. ये भी बताया था कुंवारी लड़की को क्या बोलेंगे और कुंवारा कुंवारी जो महिला है उसको क्या बोलेंगे. एक बार फटाक से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, बताओ कुंवारी लड़की को क्या बोला जाता है और कुंवारी महिला को क्या बोला जाता है. चंचल भी पधार चुके हैं, गुड इवनिंग चंचल, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म. मैट्रीसाइड बता दिया, मैट्रीमनी. और कल मैंने आपके सामने दो प्रश्न रखे थे, मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताइए, ठीक है. गुड इवनिंग शुक्लाल, गुड इवनिंग, ठीक है. दो प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, कुंवारी लड़की को क्या कहा जाता है, कुंवारी महिला को क्या कहा जाता है. हम तो ये समझते हैं कुंवारी का एक ही वर्ड होगा, लड़के बैचलर ही होते हैं, ठीक है. लड़के तो बैचलर ही होते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो लड़का हो, कुंवारा लड़का हो, चाहे कुंवारा आदमी हो. लेकिन महिलाओं में थोड़े से अलग प्रकार की चीजें हैं. कुंवारी लड़की को क्या बोला जाता है और कुंवारी महिला को क्या बोला जाता है, फटाक से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. और मैरिज और वेडिंग में क्या डिफरेंस है वो भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, फटाफट से बताइए. मैट्रिमनी, मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फटाफट से देखिएगा. फिर आगे कल आपको मोब और क्राउड में भी डिफरेंस बताया था. मोब और क्राउड सदाबहार, ठीक है. स्पिनस्टर मायावती सही बात कर रहे हैं, ठीक है. मनशा जात गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग मनशा, गुड इवनिंग, ठीक है, स्वागत है आपका भी.
मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, मैनेस्क्रिप्ट क्या होता है ये भी बताया था कल आपको, मैनुअल और ऑटोमेटिक बता दिया था, स्पिंस्टर बोल दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्पिंस्टर क्या होता है? कुंवारी महिला को स्पिंस्टर बोला जाता है, फिर कुंवारी लड़की को क्या बोला जाता है ये भी बता दीजिएगा, जो लड़कियां अभी कुंवारी है क्या वो अपने लिए स्पिंस्टर यूज करेंगी क्या, फटाफट से बता दीजिएगा जरा। माइनर्स क्या होते हैं? मैजिस्ट्रेट और जजिस क्या होता है? ठीक है, माइग्रेटरी क्या है? माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? कल सारे वर्ड्स बताए थे, म्यूजियम, मैनुअल, ऑटोमेटिक, माइग्रेट, मनोगेमी, मॉब और क्राउड सब बताए थे। मॉब और क्राउड में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, डेमजल, डेमजल, ठीक है, डेमजल, ठीक है। बस चंचला आपने स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, ये प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर आपका रिटर्न होता है डी ए एम, ठीक है, एस ई एल बताया था डेमजल कल, देखिएगा जरा स्पेलिंग क्या बताया था, थोड़ा सा देखिएगा, डेमजल बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आज आपने कहां तक कल देख लिया था? आपने यहां तक देख लिया था, हाँ, आज 181 से लेके 200 तक पहुंच जाएंगे, 200 शब्दों तक आज हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि धीरे 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 चलते चलते आज हम 200 तक पहुंच जाएंगे, जरा देखते हैं। और आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है, आइए सर का। दैट विच कैन बी मूव्ड, दोस्तों जिसको मूव किया जा सकता है, जिसको एक मतलब हिलाया जा सकता है, उसको क्या किस नाम से जाना जाएगा? मूव एबल के नाम से जाना जाएगा। और जिसको मूव नहीं किया जा सकता वो क्या होता है बताओ? इमूवेबल। बताओ आज का पहला वर्ड आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बता दीजिएगा। जो मूव करने के लायक होता है वो मूवेबल होता है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता वो क्या होगा? मूवेबल होगा। बताओ सरकार क्या होगा, फटाफट बताइएगा, मूवेबल होगा। फिर से बताओ जरा क्या होगा? मूवेबल होगा। गॉट इट सर? मूव करने लायक जो कोई चीज है वो मूवेबल है, ठीक है। और यहीं से फिर आ जाएगा इमूवेबल। जो स्टूडेंट, ठीक है, ग्रामर की क्लास लेना चाहते हैं तो डेली 9 o'clock आपके लिए ग्रामर का सेशन भी आता है, टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको अपडेट मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको अपने क्विज आदि भी मिलते हैं। बिल्कुल, ज्योति ने लिख दिया है क्राउड, ठीक है, और मॉब। क्राउड भीड़ होती है और मॉब उग्र भीड़ होती है। अभी भी मैरिज और वेडिंग में डिफरेंस नहीं आया है दोस्तों। एनिमल्स दैट सकल देयर यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? मैमल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्यों ना दोस्तों। अब हम आपके सामने एक नई चीज पेश करें ताकि आपको भी कुछ अच्छा लगे। ये देखिएगा दोस्तों, किसके बारे में बात हो रही है? एनिमल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनिमल्स ये दो प्रकार के होते हैं, अच्छे से समझिए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइंस वाले बच्चे तो जरूर जानते हैं, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। एक वर्ड आता है वर्टिब्रेट, बताओ सरकार वर्ड क्या आ गया है? वर्टिब्रेट आ गया है। और एक और वर्ड आ गया है इनवर्टिब्रेट, इन वर्टिब्रेट। बताओ पहले तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे, ये दो क्या होते हैं? एक तरफ वर्टिब्रेट आया है, दूसरी तरफ इनवर्टिब्रेट आया है। बताओ जरा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या होता है, फटाफट से बताइए, ठीक है, जल्दी बताओ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट क्या होता है मित्रों? मेक इट फास्ट। देखो आप बहुत नई चीजें, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिलेगा। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जल्दी बताइए, वर्टिब्रेट्स जल्दी बताओ, वर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट नहीं पता, चलो मैं बता देता हूं दोस्तों। दो प्रकार के जानवर आपको अक्सर देखने को मिलता है, एक वर्टिब्रेट होता है, एक इनवर्टिब्रेट का मतलब तो क्या होता है बताओ? ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो हैविंग क्या रखते हैं बताओ? हैविंग, 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 जिनमें हैविंग बैकबोन, हैविंग स्पाइन, जिनमें स्पाइन होती हो या बैकबोन होती हो, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो मित्रों, उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एनिमल्स विच हैव स्पाइन या बैकबोन क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट कहा जाता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा इनवर्टिब्रेट क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो विदाउट स्पाइन होते हैं, विदाउट स्पाइन या बैकबोन वाले होते हैं, उनको किस नाम से जानेंगे बताओ फटाफट से? उनको हम जानेंगे आपके इनवर्टिब्रेट के नाम से। किस नाम से बोलो फटाफट बताइए? इनवर्टिब्रेट के नाम से जानेंगे। ऑल क्लियर, ऑल सेट, समझ में आ रहा है वेद मित्रा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। इस प्रकार से देखिएगा, एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब देखो वर्टिब्रेट में भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसे जानवर, अब देखो अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे जानवर, ये देखो मैमल्स, ये काफी अच्छा फेमस होता है मैमल्स। मैमल्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं जनरली, ये बच्चे देते हैं और साथ में अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जिसमें चाहे आप लायन ले लो, डॉल्फिन ले लो, ठीक है, या इसके अलावा कोई और देख लीजिएगा, भैंस है, गाय है, बकरी, ये सब मैमल्स में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? एक और होते हैं रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं। बताओ सरकार क्या है, फटाफट बताइएगा, रेप्टाइल है, ठीक है। रेप्टाइल में क्या आते हैं? जो यूं क्या कैसे चलते हैं, आपने देखा है, जो
रेप्टाइल्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे स्क्रीपर जो ऐसे यू यू मतलब जिनमें क्या होती है, यू रेंगते हैं, रेंग कर चलने वालों को रेप्टाइल्स बोला जाता है। रेंग कर चलने वालों को क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स, जो पानी आदि में रहती हैं। एक होता है फिश और एक क्या होते हैं बताओ? बर्ड्स। ये देखो, ये कुछ अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती हैं, ठीक है। इन सब में वर्टिब्रेट पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट में पूरे के पूरे बर्ड्स आ गए, पक्षी आ गए, फिश आ गई हैं, रेप्टाइल आ गया, मैमल्स आता है। तो देखो, तीन प्रकार के प्रश्न बन गए हैं मित्रों, याद रखना बढ़िया तरीके से। पहला प्रश्न, वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? ऐसे, ठीक है, रेंगने वाले। ऐसे आपने क्या देखा है? ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वापस से बताओ जरा, क्या है वर्टिब्रेट? क्या है वर्टिब्रेट? रीढ़ की हड्डी सब में पाई जाती है, मैमल्स में, रेप्टाइल्स। फिर बोलते हैं मैमल्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो यंग वंस को जन्म देते हैं, एग्स नहीं देते हैं, प्राय बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। रेप्टाइल जो रेंग कर चलने वाले, उनको रेप्टाइल कहा जाता है। सर्पादि, फिश आप जानते ही हो और बर्ड्स भी आप जानते हो, डन। और इधर जो छोटे छोटे जो भी यूं बते में वॉर्म्स की बात करूं, जितने भी कीड़े हैं वो इधर ही आ जाएंगे, वॉर्म्स आ जाएंगे। और भी आप लोग देखिएगा, आपने ये देखा होगा जितने भी मैं ये बात करूं आपकी वाटर लाइफ के जो जितने भी जानवर हैं, वो आपने देखा होगा नदी से पानी से क्या निकालते हैं? इन वॉर्म्स को निकालते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं। बताओ सरकार, क्या है इनवर्टिब्रेट होता है? वापस से बोलो जरा, क्या है इनवर्टिब्रेट होता है? और वैसे भी मैं आपको जानवरों के बारे में तो वैसे भी बता चुका हूं कि एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, एनिमल्स और भी कई प्रकार के होते हैं। बोलो सर कैसे? ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोला जाता है। बोल जाओ जरा, क्या है? एक्वा का मतलब ही वाटर होता है, इनको जलीय बोला जाएगा। जल में रहने वाले एक्वेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट से, बोलो जरा, क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक। बोलो ना मित्रों, क्या बोला जाएगा? एक्वेटिक। वापस से बोलो जरा, क्या होता है एक्वेटिक? आप टेलीविजन पर कई बार देखते हो, हेमा मालिनी आती है, केंट का पानी, एक्वा गार्ड रहे से, एक्वा का मतलब वाटर ही होता है। गॉट इट सर? ठीक है, एक्वा का मतलब ही पानी होता है। और देखिएगा इसके अलावा क्या होता है, ठीक है, जो ऐसे जो जमीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। बताओ सरकार, क्या है टेरेस्ट्रियल? ये स्थलीय होते हैं। क्या बोला जाएगा बताओ? स्थलीय। बताओ सरकार, क्या है? फटाफट बोल दीजिए, स्थलीय है, ठीक है। स्थल का मतलब जो जमीन पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले प्राणी आपको पता ही है, रेस्ट पर ज्यादा विश्वास करते हैं। पूरे दिन टर टर करते रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, पड़े रहते हैं। रेस्ट करने वाले कौन से हो सकते हैं बताओ? जमीन वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं, उनको अपन एम्फीबियंस कहा जाता है, एम्फीबियन कह देंगे। इनको आप किस नाम से जानेंगे मित्रों? उभयचर। बोल जाओ मित्रों, कौन से चर हैं? उभयचर हैं, जो दोनों जगह पाए जाते हैं, स्थल में भी स्थल पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको कहा जाता है, डन, ठीक है। हाँ, रिपट के चलने वाले, रपट के चलने वाले रेप्टाइल हैं। सही करो, रपट के चलने वाले रेप्टाइल हैं। देखो कितने गजब की बात है। आपको कोई पूछ ले एनिमल्स विच लिव ओनली इन वॉटर, जो केवल पानी में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एक्वेटिक कहा जाता है, जलीय। एक एग्जाम्पल देता हूं, फिश आपने पढ़ा भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, मतलब पूरी तरह से ये क्या है बताओ? ठीक है, फटाफट बताओ। मछली पूरी तरह से पानी में रहती है, तभी तो कहा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। याद रखिए वो वाला बात है। टेरेस्ट्रियल क्या है? जो केवल स्थल पर रहते हैं, जो स्थल पर रहने वाले को मैं कह देता हूं, जैसे आप गोट बकरी को ले लीजिए, बकरी आपको पता है स्थल पर ही रहती है, लेकिन उभयचर पर देख लीजिएगा, जो दोनों जगह रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रोकोडाइल देख लो, मगरमच्छ देख लो, या फिर फ्रॉग, मेंढक देख लो, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोनों जगह पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल है, कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वॉटर, जो जल जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। मित्रों, जानवरों से संबंधित मैंने ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों के सामने रख दी है, शायद अब इससे ज्यादा आपको और कोई टेंशन नहीं होगी। इससे पहले भी मैंने आपको बताए थे और जानवर क्या हो सकते हैं, बोलो फटाफट से, जानवर क्या हो सकते हैं? जानवर 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 एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स शाकाहारी होते हैं। अरे बोलो ना, क्या है? शाकाहारी है। तो शाकाहारी जानवरों को क्या बोलेंगे और मांसाहारी को क्या बोलेंगे? बोल जाओ जरा, शाकाहारी को क्या बोलेंगे? जो हर्ब्स खाते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं, हर्बीवोरस। ये लो जी, हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी। तो इधर क्या बोलेंगे बताओ? कार्निवोरस। बोलते जाओ जरा, क्या है? कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी। क्या बोलेंगे बताओ? मांसाहारी बोला जाएगा, ठीक है। इनकी कोई डेड बॉडी पूछ ले, जानवर की डेड बॉडी को क्या बोला जाएगा? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल को क्या बोला जाएगा? बोलते जाओ फटाफट, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल को क्या बोला जाएगा? फटाफट बोलो। तो इसी कार से उठा लो बड़ा, फटाफट से बड़ कारकश। बोलते जाओ जरा, बड़ क्या है? काकश। बोल जाओ ना, क्या है? कारकश। फिर से बोलो जरा, क्या है?
कारकश, got it sir, उसको कारकश बोल देंगे, ठीक है। ये शाकाहारी जानवर है, जितने भी जानवर जो हैं, ठीक है, शाकाहारी, बताओ जरा क्या है शाकाहारी, और ये वाले क्या है मांसाहारी जानवर, बताओ जरा क्या है मांसाहारी। लेकिन आदमी शाकाहारी और मांसाहारी होता है तो वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होता है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो सबको ही खा लेते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कैटेगरी में आते हैं, उनको आप ओमनीवोरस बोलेंगे। बोलो जरा क्या बोलेंगे, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है बताओ, सर्वाहारी, बताओ सरकार जरा क्या है सर्वाहारी। ओमनी का मतलब ही सब कुछ होता है, तो ये वर्ड आ गया सर्वाहारी। फिर से बोलो जरा क्या है सर्वाहारी, जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं फटाफट से, ठीक है। जानवरों का यदि मांस की बात करें, इनका केवल मांस होता है, उसको क्या बोलेंगे बताओ, फटाफट बोलो, कैरियन, 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 कैरियन को बोलेंगे। कैरियन क्या होता है इन्हीं का बताओ, सड़ा हुआ मांस, बताओ जरा क्या बोला जाएगा, सड़ा हुआ मांस। जानवरों का जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको कैरियन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैरियन बोला जाता है। फटाफट से देखिएगा, जानवरों को फटाफट से निपटा रहे हैं। सुनील गुड इवनिंग बोल रहे हैं भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल सेट क्लियर, होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट्स ग्रेट। तो एनिमल्स में आपने हर्बीवोरस, इधर कार्निवोरस देख लिया है, इधर ओमनीवोरस, सर्वाहारी देखा है, तमाम प्रकार की चीजें हमने जानवरों के बारे में देखी है। और जानवर के बारे में क्या, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, पहला, एक ऐसा जानवर जो प्रीडेटर होता है उसको क्या बोला जाएगा, प्रीडेटर, प्रीडेटर होता है शिकारी जानवर, यहां पर यूं छलांग लगाकर, ठीक है, दूसरे का खा रहा है, ठीक है, उसको प्रीडेट, शिकार करके, ये शिकारी जानवर होते हैं। कौन से जानवर हैं बोलो, फटाफट बोलो, शिकारी जानवर, फटाफट बोलो, क्या है, शिकारी जानवर होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, प्रीडेटर बोला जाता है। ये फिर क्या है, स्केवेंजर, बताओ जरा वर्ड क्या है, स्केवेंजर क्या होता है, स्केवेंजर, स्केवेंजर होता है जो भी कुछ कचरा, कचरा, ठीक है, या फिर आपने देखा सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, ठीक है, कचरा, या फिर कोई मरे हुए जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाकर, मरे हुए जानवरों को खाने वाले आदि को क्या कहा जाएगा बताओ, स्केवेंजर कहा जाएगा। जैसे क्रो है, कोवे हैं, पहले आपने देखा होगा चील, गिद्ध जो आते थे, कोई चीज भैंस या गाय आदि मर जाती थी, उसको खाकर चट कर जाते थे, उनको स्केवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बोलो, फटाफट से बोलो, स्केवेंजर कहा जाएगा, बोलो फटाफट से, कौन सा वर्ड आया है जल्दी बताओ जरा, वर्ड क्या आया है, स्केवेंजर आया है, ठीक है, फिर से देखो वर्ड कौन सा आया है, स्केवेंजर आया है, ठीक है, ये वाला वर्ड देख लिया, स्केवेंजर, बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं है। पूरे जानवरों के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी लिख रहा हूं, ठीक है, अरे स्केवेंजर, ई करो, ई करो, ई करो, यहां पर स्केवेंजर, ठीक है, कौन सा वर्ड देखा है, स्केवेंजर आ गया, स्केवेंजर आ गया, स्केवेंजर आ गया, डन। तो जो मतलब मरे हुए मांस आदि खाकर इनको ऐसे, ये तो बर्ड्स होते हैं वैसे, इनको तो बर्ड्स, ऐसे ऐसे बर्ड्स जो क्या करते हैं, कोई कचरा या मरे हुए जानवर आदि को खाकर, उनको स्केवेंजर बोला जाता है। सुबह सुबह जो कचरा उठाते हैं उनको भी स्केवेंजर कहा जाता है। प्रीडेटर होता है शिकार करने वाला, शिकार को क्या बोला जाएगा रे बताओ, प्रे, प्रे का मतलब ही होता है शिकार, बताओ प्रे का मतलब क्या होता है, फटाफट बोलो, शिकार, और ये वाला प्रे आ जाए, पी आर ए वाई, प्रे टू, जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, क्या करना, प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो। देखो एक चीज के पीछे पड़ जाओ तो फिर बिल्कुल मत छोड़ो, पूरा कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फटाफट से चीजें आ गई हैं। और बताओ जरा जानवर के बारे में और क्या पढ़ने वाले हैं, जानवर कितने प्रकार के होते हैं, जिनके दो पांव होते हैं उनको क्या बोला जाएगा, बोल जाओ जरा क्या है, बाईपेड, बोलो ना क्या है, बाईपेड। तीन वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइपोड हो जाएगा क्या, और क्वाड्रूपेड, बता दो जरा क्या है, क्वाड्रूपेड। और एक और वर्ड था सेंटीपीड, ये क्या था रे, सेंटीपीड वाला, कनखजूरा, कनखजूरा, जिसके बहुत ज्यादा लेग्स होती हैं, ठीक है, ये चौपाया है, चौपाया, चौपाया, ये ती पाया, और इसको क्या बोला जाएगा, दो पाया, इस प्रकार से, बताओ सरकार, क्लियर तो है क्या, जल्दी से जल्दी बताओ, जानवर के बारे में पूरी चीजें एक साथ आपके सामने आ गए हैं। सेंटी का मतलब ही सो के लिए आया है, सेंटीपीड आ गया है, ठीक है, ट्राइपोड आपने देख लिया है, ठीक है, ट्राइपोड के अलावा आपने क्वाड्रूपेड देख लिया है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट है क्या, पूरा क्लियर हो रहा है क्या, क्वाड्रूपेड, जानवर को लेकर सारी चीजें आपके सामने रख दी है, होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी, शायद आपको कोई यहां तक दिक्कत नहीं आ रही होगी, बताओ बताओ क्लियर है क्या, चलूं आगे, बताओ बताओ फटाफट से, ठीक है। हाँ, जानवर क्या करते हैं, हंट करते हैं, हंट का मतलब शिकार करना, एक स्टूडेंट कह रहा है हंट, शिकार करना, शिकार करने वाला हंटर होता है। दोस्तों जानवरों को इलीगल तरीके से मारने को पोच कहा जाता है, ठीक है, ये भी शिकार करना होता है, लेकिन शिकार करना, लेकिन इलीगल तरीके से शिकार करना, ठीक है, पोचिंग होती है ना शिकार करना, लेकिन वो किस तरीके से, इलीगल तरीके से होती है मित्रों, तभी तो पोच से वर्ड क्या बना है, पोचर बना है, शिकारी होता है, याद रखना, पोचिंग, पोचिंग बार बार वर्ड आया है,
जानने के लिए गूगल बाबा की शरण में चलते हैं। ये वर्ड बड़ा काम का है, गजब का है। एक जानवर, एक एनिमल, लियर एनिमल के ऊपर पता नहीं आपके सामने मैंने कितने सारे वर्ड्स रख दिए। जिस दिन आप भी इस प्रकार की प्रिपरेशन करने लग जाएंगे मजा आ जाएगा। POACH, पोच का मतलब क्या होता है? पाउच करना, ठीक है, किसी चीज को इलीगली मारना या हंट करना, देखो पाउच करना, मछली या अंडे आदि को, देखो गैर कानूनी ढंग से पशुओं का शिकार करना, ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है मित्रों, काम का वर्ड है, ठीक है। ये इस प्रकार से देखिएगा, पाउच करना, पाउच, ये देखिएगा पाउच, ठीक है, अच्छे से समझिए पाउच, ठीक है। टू कुक समथिंग सच एज अ फिश और एग विद इट्स शेल रिमूव्ड बाई पुटिंग इट इन जेंटली बॉइल्ड वाटर, ये वी हैड पोस्ट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। Do you like pears poached in red wine? ये देखिएगा, the farmers claimed that he shot the man because they were poaching on his land. Farmers ने claim किया कि हमने उस आदमी को shoot कर दिया, क्यों किया? क्योंकि they were, ठीक है, poaching on his land, उनके land पर वो क्या कर रहे थे? उनको poach कर रहे थे। तो to catch and kill animals without permission on someone else land, दूसरे की जमीन पर जाके poach करना, वो poaching आता है। बच्चा पूछ रहा है सर सेंटीपीड क्या होता है? बेटा सेंटीपीड कनखजूरा, आपने देखा नहीं क्या, जिस जो अपने कान में घुस जाता है, इस प्रकार का सा जानवर आता है सेंटीपीड। फोटो आपको दिखाई थी यार, इसकी फोटो तो आपको कितनी दफा हमने आप लोगों के सामने रखी है, ये नहीं देखा है क्या बताया तूने? तू कहता रहता है सर सेंटीपीड क्या था। राहुल भी आ गए भाई, राहुल बेरवा वेलकम बेटा वेलकम। ये देखिएगा, ये नहीं देखा गया तूने? कहता है सर सेंटीपीड बताओ, सेंटीपीड, यही सेंटीपीड होता है, ठीक है। कितनी लेग्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, लगभग 40। तो ये तो कहता जिसे एक से ज्यादा क्या हो, लैग हो, उसी को क्या कहा जाता है? सेंटीपीड कहा जाता है। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? ऑल सेट, रेडी, क्लियर। ये बेनिफिट होता है जब कोई चीज आप देख लेते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। हाँ, कंचलाई कन खजूरा है, सही करें। आज प्लस आर देखते रह गए, कंसलावा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। ये क्या बोल रहा है भाई किशन राम पुना सर? आज जयपुर देखते रह गए जीप। ये तो देखा हुआ है, तभी तो कह रहा हूं बेटा, देखा हुआ है, देखा हुआ है, चिंता क्यों कर रहा है तू, सब चीजें देखी हुई है। चलिए फिर से आ जाइए और चीजों को फिर से देखते हैं। तो सारी चीजें आपने देखी है, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आइए, तो कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं आपने देखा होगा, हमने तमाम प्रकार की चीजें यहां से पढ़ना शुरू किया। तो अब देखो सबसे मेन बातें तो ये थी कि एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। बोल जाओ जरा क्या है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट? सर देखा हुआ है बिल्कुल, वर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होती है, स्पाइन या बैकबोन। बैकबोन का ही दूसरा नाम क्या है? स्पाइन। जिसके स्पाइनल कोड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है। ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। कोई बोले कि मैमल्स किसे कहते हैं? मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे बकरी दूध पिलाती है, भैंस पिलाती है, गाय पिलाती है, समझ में आ गया ना? उनको आप सबको मैमल्स कह सकते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं रेंकने वाले, रपट के चल रहे हैं, इसलिए रेप्टाइल हो गए, फिश आ गया और बर्ड आ गया, ऐसी चीज ये सब के सब वर्टिब्रेट होते हैं। ये वाला वर्ड आ गया। तो मैमल्स किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट सकल देयर यंग वंस। एनिमल्स जो सकल का मतलब होता है, उनको मतलब दूध पिलाते हैं, सकल करवाते हैं, इसलिए इनका नाम सकल, उनको क्या क्या बोल दिया, मैमल्स। ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है। मेरे प्रीवियस वीडियो देखना, साफ बताया हुआ है मोचरी और मोग क्या होता है, याद करिए, ठीक है। पुरानी वीडियो देखे हैं तो मुझे बताओ जरा मोग और मोचरी में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब ही होता है शव ग्रह, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। द टेरिटरी रूल्ड बाई ए मोनक, जो मोनक के द्वारा किसी टेरिटरी को रूल किया जाता है उसको मोनार्की कहा जाता है। आपको बताया तानाशाही, ये क्या है? तानाशाही है, याद करिए। एक दिन मैंने तानाशाह के पर्यायवाची बताए थे आपको। बताओ सर टायरंट, बोलते जाओ जरा क्या है, फटाफट से बोलो। पुरानी क्लास को देखा करो, ढंग से उनको रिपीट किया करो। टायरंट का मतलब ये नाउन है, तानाशाह है। बताओ सरकार क्या है, फटाफट बोलो। तानाशाह, अमित शाह नहीं बोल रहा हूं मैं, तानाशाह बोल रहा हूं। तो टायरंट से ही वर्ड क्या बना है? टायरनी बना है। ये टायरनी होते ही क्या हो गया है? तानाशाही। बता दो सरकार क्या है? तानाशाही। वैसे ही तानाशाह के लिए एक और वर्ड आ जाएगा, मोनक। मोनार्क नहीं होगा, मोनक होगा। ये तानाशाही है, तो तानाशाही को क्या बोला जाएगा? मोनक ही बोल दिया जाएगा।
वैसे ही एक और बड़ा जाएगा ऑटोक्रेट, कौन सा बड़ा है ऑटोक्रेट, भी तानाशाही होगा तो इधर क्या आ जाएगा ऑटोक्रेसी आ जाएगा, ऑटोक्रेसी, प्रोनंसिएशन पर ध्यान दिया करो, क्रेसी नहीं बोला है, ठीक है। वैसे ही एक और बड़ा आ गया है डिक्टेटर का मतलब ही तानाशाह है, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ डिक्टेटरशिप आ जाएगा मित्रों, ऐसा थोड़ा सा याद रखेंगे काम चल जाएगा, इधर वाले वर्ड तानाशाह है और उधर वाले वर्ड क्या है तानाशाही है, बताओ सरकार क्या है तानाशाही। हिटलर वॉज अ टायरेंट, हिटलर क्या था टायरेंट था, तो वो टायरेंट ही चलाता था, मोनक और मोनक से ही मोनकी आ गया है, और यहीं पर ही वर्ड आ गया ऑटोक्रेट तो ऑटोक्रेसी आ गया, डिक्टेटर तो डिक्टेटरशिप आ गया, इस प्रकार से देखिए। नमस्कार प्रिय, आपका ऊर्जा स्तर सदा ही प्रशंसनीय रहा है, ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस प्रोनंसिएशन के लिए आप जाने जाते हैं, और भाई थैंक यू भाई कुलदीप, ठीक है आपके वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार, तो कितने सारी चीजों को हमने फटाफट से चीजों को इंटरलिंक करते हुए आप लोगों तक परोस दिया है, सर्व कर दिया है, एक एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये वाला इस वर्ड का प्रोनंसिएशन जरूर ध्यान देना, मोनक होता है, ठीक है, लास्ट में सी एच का प्रोनंसिएशन क्या होता है, इसको आप मोनार्क ना बोलें, वहीं पर ही 12 बज जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई नया वर्ड सीखा करो, ठीक है, जैसे ऑटोक्रेट है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप है, इस प्रकार से देखिएगा। डन, ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गई, ये पढ़ लिया। इसके बाद आज जानवरों को तो पूरा निपटाए हमने, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होता है, फिश क्या होता है, बर्ड क्या होते हैं, वॉर्म्स को भी हमने ढंग से देखा है, फिर एनिमल में एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियन क्या होता है ये देखा है, इसके बाद भी हमने हर्बीवोरस कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, कार्कश क्या होता है ये देखा है, कैरियन क्या होता है, जैसे वर्ड्स देखें, प्रीडेटर क्या होता है, स्केविंजर क्या होता है, प्रे करना क्या होता है, प्रे टू क्या होता है, ये इस प्रकार की चीजें देखी है, ठीक है। ये आ गया बाइपेड दोपाया होता है, तो ट्राइपोड तिपाया होता है, तो वैसे क्वाड्रोपेड चौपाया होता है, सेंटीपीड कनखजूरा होता है, हंट या हंट करने वाला हंटर होता है, वैसे पोच से पोचर होता है, किसी जानवर को इलीगल तरीके से मारना उसको पोच कहा जाता है, POACH, और वहीं पर ही वर्ड पोचर बन गया है, शिकारी बन गया है, कितने सारे वर्ड्स आप लोगों तक पहुंचाए हैं मित्रों, ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है, फटाफट बताइए यहां तक का क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, जल्दी बता दो आप, बताओ फटाफट से कैसा लग रहा है, डन ऑल सेट क्लियर, हाँ, अरे आप लोगों को जो कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं उनके साथ दिक्कत क्या हो रहा है आपको पता ना, किसी को आईपीएल ले डूबा, किसी को मूवी ले डूबी, किसी को इंटरनेट ले डूबा, किसी को ये 1.5 GB का चंचल, ये सर क्लियर, देखो जो स्टूडेंट रेगुलर यहां पर आ रहे हैं क्या आपका वोकैब इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे तो ये बता दो, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन एक दिन अवश्य हो जाएगा, अक्सर कहता हूं आप लोगों को, कंटिन्यूटी के साथ किए गए एफर्ट्स आपके लिए हमेशा काम आएंगे, याद रख लेना इस बात को। चलिए आगे, और कौन सा वर्ड आ गया है, वन हु बेयर्स द सेम नेम एज अनदर, ठीक है, तो ये देखो नेमशेक होता है, मेरा नाम महेश है, मेरे जैसा ही किसी का, इफ समवन हैज द सेम नेम, ठीक है, इफ समबडी हैज सेम नेम एज समबडी एल्स, समबडी एल्स जैसा नाम होता है, सर जी आरएस के लिए ग्रामर क्लासेस डेली आती है क्या, वो एप्लीकेशन पर ही आती है मनीषा, बाकी यहां पर तो अपन बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाँ, क्रीमेटोरियम शब्दा ग्रह होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, नेम शेक आ गया, बताओ जरा वर्ड क्या है, फटाफट बोलिएगा नेम शेक, वापस से बोलो जरा वर्ड क्या है, नेम शेक आ गया, सेम नेम शेक, अब इस शेक से क्यों ना वर्ड दे देते हैं, नेम शेक का मतलब होता है मेरा नाम महेश है, उस जैसा ही किसी दूसरे का नाम है, तो वो हो गया नेम शेक हो गया, वैसे एक और होता है गॉड सेक, ठीक है, ऐसे लगा दिया करो, फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो, आप कई बार ऐसे बोलते हो ना, भगवान की खातिर मुझे माफ कर दो, भगवान की खातिर, ठीक है, भगवान की खातिर की अंग्रेजी क्या होगी, फॉर गॉड सेक, ठीक है, फॉर गॉड सेक, और हैंड शेक अलग वर्ड होता है, हैंड शेक करना, ये शेक है, ये सेक है, अंतर है, ये सेक है, तो ये भाई साहब शेक है, याद रखिएगा, हैंड शेक करना ये वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, हाथ मिलाना, बता दो जरा क्या है, हाथ मिलाना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेम नेम होना, सेम नाम होना, दूसरे जैसा नाम होना, तीन वर्ड एक साथ चिपका दिए हैं, फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर, ठीक है, इस प्रकार से, तो कई बार पैसेज आदि में आता है, ये अपोस्ट्रफी लगेगा तो लगेगा ही, जी कैपिटल आएगा तो आएगा ही, फॉर गॉड सेक, क्या बोला है, फॉर गॉड सेक, यस सर, हम तो लाइव नहीं पढ़ पाते, तो रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, अरे वाह भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे मजा आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इंग्लिश में स्कोर नहीं होता स्टूडेंट्स के, आज का किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बेस्ट रिटर्न्स देता है, कितनी भी कोशिश कर लो,
ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ आना पड़ेगा, ठीक है, कोर्स में के लिए आपको एप्लीकेशन में भी पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार आप बचोगे, ठीक है। हम कोई मूवी देखने के लिए या कोई और चीज देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, आपको जम गया कि आज होटल में बाहर खाना है, आप तुरंत खाकर आ जाते हो, लेकिन कोई कोर्स लेने के लिए आपको कह दिया जाता है तब आप मर जाते हो, आप बीपीएल हो जाते हो, गरीब हो जाते हो, ऐसा लग रहा है कि बैस अब कभी भी आप लोग इस आपकी यह लीला समाप्त हो सकती है, आप जा सकते हैं, मर सकते हैं कि यार ये क्या गुनाह हो गया, एजुकेशन के नाम पर तो बच्चा बिल्कुल मरा पड़ा है भारत का, इसीलिए समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से और देखो वर्ड क्या है, निपोटिज्म, गजब का वर्ड है निपोटिज्म, द पैटर्न इज बेस्टॉयड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप नॉट ऑफ मेरिट, ठीक है, एंड नॉट ऑफ मेरिट, मेरिट के आधार पर नहीं, अपने ही परिवार के लोगों को क्या कर देना, ठीक है। सर मोटिवेशन इस बात दी है, आई प्लेन इज गुड, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। रिलेशनशिप नॉट मेरिट, मतलब इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा चलता है ये, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा साहब, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को लेकर आ गई, ठीक है, फिर अपनी बेटी को लेकर आ गई, ठीक है, फिर बेटी के हस्बैंड को लेकर आ गई राजनीति में, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे आपने अमित शाह को देखा, अपने बेटे को बीसीसीआई का क्या बना दिया है, ठीक है, एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लॉगिन नहीं हो पा रही है, ठीक है। आप मुझे बताइए, मैसेज करिए कौन सा फोन है आपके पास, वो भी बता दीजिएगा कि आपके फोन में लॉगिन कैसे नहीं हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए आप, तो जैसे हमने तमाम प्रकार की चीजें बताई उनको भाई भतीजावाद कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं सर मोटिवेशन इज बैड डिसिप्लिन इज गुड, मोटिवेशन इज बैड बट डिसिप्लिन इज गुड, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, तो एक एक चीज को आपको बढ़िया तरीके से समझना है, किस हिसाब से चीजें हमने पढ़ा है, ठीक है। भाई भतीजावाद के बारे में हमने सिंपल सा डिस्कशन कर लिया है, और वो डिस्कशन क्या हो गया है, मतलब अपने ही लोगों को फेवरेटिज्म, एक वर्ड और आता है फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म का मतलब होता है बस जो लोग आपके फेवरेट हैं उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना, ठीक है। हंसा ये क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन इज बैड बट डिसिप्लिन इज गुड, समझ में नहीं आ रहा तेरा क्या लिख रही है। इस प्रकार से देखिएगा आगे का, देखिएगा क्या है, पर्सन हु अटेंड द सिक इन हॉस्पिटल, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स को अटेंड करते हैं उनको नर्सेस कहा जाता है। बताओ नर्स मेल होता है या फीमेल होता है, फटाफट बताओ नर्स मेल है या फीमेल है, नर्स मेल है या फीमेल है, फटाफट बताओ नर्स मेल है या फीमेल है, फटाफट बता दीजिए। जल्दी बताइए, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। नर्स मेल है या फीमेल है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप मूवीज में अक्सर ऐसे देखते हैं कि नर्स महिलाएं होती हैं, नर्स में कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर बोल दो, या फिर ज्यादा सही इसके लिए वर्ड आएगा ड्यूअल जेंडर, दोनों होता है मेल और फीमेल, वैसे बोलना हो तो मेल नर्स या फिर फीमेल नर्स, गलतियां मत कर देना कि नर्स केवल लड़कियां ही होती हैं, दिखाया जाता है लड़कियों को जाता है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट है बस, ठीक है। पीछे आ जाइए, और तो कितना इजी इजी है कि पर्संस हु अटेंड द सिक इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में जो सिक को अटेंड करते हैं, ए ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप और टॉर्पर, एक ऐसी दवा जो क्या प्रोड्यूस करती है, नींद, आलस और बिल्कुल ऐसे ऐसे बेहोशी जैसी कंडीशन करती है, स्टूपर का मतलब बेहोशी जैसी, टॉर्पर होता है आलस, स्लीप का मतलब नींद, उसको क्या बोला जाता है, नार्कोटिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नार्कोटिक बोला जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, वन एक ऐसा कोई आदमी वर्स्ट इन न्यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी के अंदर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट ही होता है यार, आपको पता है न्यूरोलॉजिस्ट, बोलो जरा क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, फाइनल है सर, बिल्कुल गुड, न्यूरोलॉजिस्ट डन, फीमेल नहीं, फीमेल नहीं है भाई, ठीक है।
आगे का देखिएगा, वन स्किल्ड इन द डिजीज ऑफ आईज, अरे बहुत गजब का वर्ड है, नेत्र रोग विशेषज्ञ को आप लोगों के सामने तो रखा गया है, ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है, ऑक्यूलिस्ट बोल दो या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोल दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब ही क्या हो गया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ। कुछ विशेषज्ञ और भी बताए थे, हार्ट वाला होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते जाओ, जरा वर्ड क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, और जो स्किन से रिलेटेड होता है उसको क्या बोला जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, बताओ ऐसे पढ़ाए गए कि नहीं पढ़ाए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञ हो तो बताओ जरा, गायनकोलॉजिस्ट बोलते जाओ, जरा वर्ड क्या है, गायनकोलॉजिस्ट। ये देखिएगा, कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है तो ये हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाएगा, डर्मेटो स्किन होता है तो ये स्किन स्पेशलिस्ट है, और ये महिलाओं के विमिन डिजीजेस के बारे में बात करने वाला, विमिन डिजीजेस का जो इलाज करता है उसको क्या बोला जाता है, गायनकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट आ गया, ये कार्डियोलॉजिस्ट आ गया। वैसे ही मित्रों आज आपके सामने एक और वर्ड आ गया है, न्यूरोलॉजिस्ट, बता दो सरकार वर्ड कौन सा आ गया है, न्यूरोलॉजिस्ट, कौन सा वर्ड आ गया है, न्यूरोलॉजिस्ट आ गया है। न्यूरोलॉजिस्ट आपको न्यूरोलॉजी के बारे में बात करता है, लॉजी नहीं होता, लजी होता है, न्यूरोलॉजी, ठीक है, हाँ उपचारी का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का वर्ड आ गया है। ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट बोल दो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोल दो, कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, डर्मेटोलॉजिस्ट देख लो, ठीक है, बोलते ना कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको, तो हार्ट से रिलेटेड है, ये हर्ट नहीं है मित्रों, हार्ट होता है, पता ही नहीं आप लोग क्यों बोलते हो उसका, हार्ट अटैक हो गया, हर्ट 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 तो अरे गलत है, हार्ट और हर्ट अलग होता है, गजब के वर्ड आ गए। ऑक्यूलिस्ट, सर दोनों में भी कोई अंतर है क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये वाला जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और नीचे वाला जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको, ग्रीक और लैटिन का होने के कारण बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो आजकल ऑक्यूलिस्ट वर्ड है उसी को ही ज्यादा हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, यूज करने लग गए हैं, दोनों एक ही बात है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाए, गुरुजी टिंगर तो मोरिया पड़े हैं, मरे पड़े हैं थोड़ा चार्ज करो, नहीं मरे पड़े हैं तो भुगतेंगे और तो क्या करें बेटा, ऐसे कुछ वर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं, डन सर, ठीक है। तो लगभग आज हमने 10 वर्ड देखे, लेकिन 10 के साथ कितने सारे वर्ड देखे, बोलो एक बार फटाफट से, कौन सा वर्ड आया, मूवेबल दैट कैन बी मूव्ड, जिसको मूव किया जा सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट आ गया है, न्यूरोलॉजिस्ट आ गया है, ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट अस्थि रोग विशेषज्ञ आ गया है, हाँ ये भी बढ़िया वर्ड बोला आपने, ऑर्थोपेडिस्ट भी बोल दो, आप लिख रहे हो तो लो यहां लिख देते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कर देते हैं लो, इसी को ही थोड़ा छोटा करके और चिपका देते हैं, ये लो जी, ये लीजिए एक वर्ड और लीजिए आप, ऑर्थोपेडिस्ट आ गया है, और ऑर्थोपेडिस्ट का आपका बोन्स में को डील करता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड था, जिसको आप बोलते हैं गजब का वर्ड है, ठीक है, बताओ, साइकोलॉजिस्ट अलग होता है, डन, आगे चलिएगा। अरे कल जो एक वर्ड दिया था आपको, कौन सा था भाई, आपको कुछ वर्ड था बच्चों से जो आपने देखा था, एक अलग अलग प्रकार के कुछ वर्ड्स दिए थे, कौन कौन से वर्ड्स थे बताओ जरा, एक वर्ड तो आप लोगों को बताया था, कैपोफेनिक था क्या, मिस कैपनिक आ गया था, मिस कैपनिक वर्ड आ गया था, और मिसोपेडिस्ट था क्या, मिसोपेडिस्ट, अरे था क्या, एक वर्ड और आता है तो फिर पीडिएट्रिशियन आता है क्या फिर, और कल वर्ड क्या था बताओ, मिसो मिसो पेडिस्ट, बच्चों से नफरत करने वाला, तो देखो पेडिस्ट ये रहा, पीडियाट्रिशियन चिल्ड्रन शिशु रोग विशेषज्ञ, बच्चा बीमार है पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, हड्डियों में प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिस्ट ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाइए, न्यूरोलॉजी से संबंधित है आपके मतलब प्रॉब्लम आ रही है, ये यहां पर प्रॉब्लम आ रही है नवजादी में, तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, महिलाओं को बीमारी है तो गायनकोलॉजिस्ट के पास जाइए, खुजली उजली चल रही है, स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, हार्ट से संबंधित है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आंखों की प्रॉब्लम है ऑक्यूलस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दांतों की है तो फिर वो ओडोन्टोलॉजिस्ट आ जाएगा,
आयुष मंथन वेल गोइंग सर जी, बहुत बढ़िया भाई आयुष, ठीक है आयुष मंथन डन। इस प्रकार के वर्ड्स आपने देखे, और बताओ यहीं पर याद आइए और कौन से वर्ड्स देखे आपने। मेमल्स देख लिया, मोचरी देख लिया है, मोनक की देखा है, नेमसेक देखा, निपोटिज्म, नर्सेस, नार्कोटिक, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट, 10 ही वर्ड पढ़ाए, लेकिन इनके साथ देखो ये कितने सारे वर्ड आ गए। इसके बाद ये देखो नर्सेज हैं, मेल नर्स, फीमेल नर्स के बारे में आपको बता दिया है, नेमसेक क्या होता है, गॉड सेक क्या होता है, फॉर गॉड सेक, हैंड शेक क्या होता है ये आपको बताया गया है, टायरेंट से टायरनी बना है, मोनक से मोनकी बना है, ऑटोक्रेट से ऑटोक्रेसी बना है, डिक्टेक्टर से डिक्टेक्टरशिप बना है, ठीक है। एनिमल्स में वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ये देख लिया है, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, स्पाइन या बैकबोन पाया जाता है वो वर्टिब्रेट होता है, जिनमें नहीं पाया जाता वो इनवर्टिब्रेट होता है। मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश ये देख लिया है, मैमल्स वो होते हैं जो बच्चों को, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगते रहते हैं, ठीक है, क्रीपर करते हैं, और फिश और बर्ड के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। हाँ, एरिस्टोलॉजी, ऑर्थोपेडिक ये आगे में आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा अमन बड़ाशरा भी गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग कहाँ से आ गया अमन, ठीक है। आगे चलिएगा क्या है इसके बाद में वर्ड बताएं, एक्वेटिक जो जल में रहते हैं रहने वालों को एक्वेटिक, जो स्थल पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल, दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबियन हो गया है मित्रों, ठीक है। एनिमल्स के बारे में देखा है, मांसाहारी को आप, शाकाहारी को हर्बीवोरस कहा जाता है, हर्बीवोरस आ गया, मांसाहारी को कार्निवोरस कहा जाता है, जानवरों की डेड बॉडी को कार्कश कहा जाता है, आदमी की डेड बॉडी को बता दो जरा क्या कहा जाता है, बताया था कॉप्स कहा जाता है, बहुत बढ़िया, क्या कहा जाता है, कॉप्स कहा जाता है, ये आता है आदमी का, पर्सन की डेड बॉडी जो होती है उसको कॉप्स कहा जाता है, एनिमल की को कार्कस कहा जाता है, ओमनिवोरस सर्वाहारी आ गया है, ठीक है। आगे चलिए जरा कैरियन, कैरियन जानवरों का सड़ा हुआ मांस आ गया है, ठीक है, प्रीडेटर होता है, शिकारी जानवर, तो प्रे का मतलब शिकार करना, और ये देखो प्रे टू, दोनों में अंतर है, यहाँ ई है और यहाँ ए है। स्केविंजर आ गया है, कचरा, ठीक है, या फिर मरे हुए जानवरों को खाने वाले जितने भी होते हैं। बाईपेड दोपाया है, ट्राइपोड तिपाया है, क्वाड्रूपेड चौपाया है, चौपाया, सेंटीपीड कन खजूरा है, हंट से हंटर बनाए, पोच से पोचर बनाए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पोच क्या होता है, ठीक है। ऐसे इतने सारे वर्ड्स आज के सेशन में दिए हैं, बताओ मित्रों कैसा लगा आज का सेशन बता दीजिए। इसका तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाता है, और इसके बाद आज आपको आरएएस का जो क्लास है वो भी शायद आपको नाइट में मिल सकता है, एक अभी ग्रामर का होगा, ठीक है, और 10 से 11 हो सकता है आपको लेटर राइटिंग वाला जो पार्ट अभी चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आरएएस वाले बैच में। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, ई लर्निंग स्टडी अड्डा आपका वेट कर रहा है। इतने सारे कोर्सेज, एसएससी, DSSP, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, सीईटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जैसे कोर्सेज निरंतर तरीके से और लगातार चल रहे हैं। डेली शाम को आपको 5 से 7 का क्या चल रहा है, आपका ग्रामर का क्लास भी चल रही है, तो आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है फ्रॉम माय साइड। जो आपका क्वालिटी जो कंटेंट है इज बीइंग डिलीवर्ड दीज डेज, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अभी इसके बाद थोड़े समय बाद में फिर मिलने मुलाकात करने वाले, तब तक अपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है, और हमेशा कहता हूं ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड डोंट लेट द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड गेट यू डाउन। हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें, और संसार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अमन सर अब की बार इंग्लिश में पूरे सही करके आया हूं एयरफोर्स में, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के इतना काफी है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। अभी थोड़े समय बाद में फिर मिलेंगे, सेशन तगड़ा लगा, गुड।